नमस्कार, सिटी न्यूज के बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सांसद अर्शुर समर्थकों की महाराष्ट्र टाइम्स कार्यालय में तोड़फोड़, पत्रकार संगठनों ने हमले की निंदा, महायुति की घोषणा खटाई में। चुनावी प्रचार की धूम हो गई शुरू। गर्दा प्रकल्प ग्रस्तों का मुख मोर्चा धमका उपविभागीय कार्यालय पर। चंडी महायज्ञ एवं महापाठ में उमड़ पड़ी भक्तों की भीड़। दिनेश बुक 30 को दाखिल करेंगे नामांकन। 8 जोन कार्यालयों पर उमड़ रही उम्मीदवारों की भीड़। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जा। अब देखिए समाचार विस्तार से। स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर से एक वसूली कर्मी की 5 लाख रुपए राशि की बैग अज्ञात बाइक सवार झपट मारकर भाग गया। शनिवार की शाम इन बदमाशों ने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देते हुए नेर पशुमन के ऑयल एवं कपास व्यापारी के यहाँ वसूली का कार्य करने वाले वसूली कर्मी मोहम्मद नईम मोहम्मद अजहर अब अमरावती के मालविया चौक स्थित विदर्भ टायर से 5 लाख रुपए की वसूली कर बस डेपो के लिए रवाना हुआ। जब वो रेलवे स्टेशन से डेपो के लिए पैदल जा रहा था तभी उत्पाद शुल्क कार्यालय के नजदीक पल्सर पर सवार होकर आए 2 युवकों ने ये 5 लाख की बैग झपट कर रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना पर नाकेबंदी कर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। शिवसेना सांसद आनंदराव अड़सूल पक्षांतर कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेशित होने का अंदेशा मुंबई से प्रकाशित होने वाले महाराष्ट्र टाइम्स अखबार में प्रकाशित होने पर संतप्त अड़सूल समर्थकों ने महाराष्ट्र टाइम्स कार्यालय में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। पत्रकार संगठनों ने इस घटना का निषेध व्यक्त कर घटना की निंदा की है तो गृहमंत्री आर पाटिल ने घटना को लोकशाही पर आघात बताकर दोषियों पर कड़े कार्रवाई करने की बात कही। सांसद अड़सूल पिता पुत्र अगर इस घटना में दोषी है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा गृहमंत्री आर पाटिल का कहना है। शिवसेना सांसद आनंद परांजपे राष्ट्रवादी में प्रवेशित होने के बाद और एक सांसद राष्ट्रवादी में पक्षांतरित होने का दावा राष्ट्रवादी के प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचर इन्होंने एक पत्रकार वार्ता में किया था, जिस पर मुंबई से प्रकाशित होने वाले महाराष्ट्र टाइम्स नामक अखबार ने इस आशय की खबर छापी कि उप सांसद आनंदराव अड़सूल हो सकते हैं। इस आशय की खबर प्रकाशित होने के बाद शिवसेना सांसद अड़सूल समर्थकों ने संतप्त होकर महाराष्ट्र टाइम्स के मुख्यालय पर हमला बोल दिया। मीडिया पर हुए इस हमले को निंदनीय करार देकर पत्रकार संगठनों ने इस घटना का निषेध कर हमलावरों पर कड़े कार्रवाई की मांग उठाई है। वृत्तपत्र कार्यालयावर किंवा प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींवर हल्ला होणं ही बाब निश्चितच निषेधार्ह आहे। हल्ल्याचं समर्थन आपण करू शकत नाही, समर्थन व्हायलाच नको, हल्ले व्हायला नको। हे जरी खरं असलं तरी एक गोष्ट नक्की लक्षात घेतली पाहिजे की मुंबईमध्ये जो प्रकार घडला, मुंबईच्या निवडणुका अतिशय अटीतटीच्या निवडणुका आहेत, निवडणुकीचं वातावरण तापलेलं आहे आणि अशा निवडणुकीच्या वेळी वृत्तपत्रांनी म्हणा पत्रकारांनी म्हणा बातमी छापताना काहीतरी ऐकू आलेल्या गोष्टींचा पुरावा नसताना किंवा ठोस आधार नसताना अशा बातम्या छापून कोणाचं नुकसान होईल, कोणाचं प्रचंड नुकसान होईल, त्याच्या नेतृत्वावर काही भालंट येईल अशा तऱ्हेचं वृत्त छापून मला असं वाटतं की चुकीचं आहे। असा प्रकार करू नये आणि असा प्रकार जर झाला तर स्वाभाविकपणे कार्यकर्त्यांकडून रिॲक्शन येत असते। फक्त कार्यकर्त्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी सगळ्यांनी हे देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे की रिॲक्शन ही लोकशाही मार्गाने दिली पाहिजे। कायदेविषयक तुमच्याजवळ सगळे अधिकार आहेत, तुम्ही त्या अधिकाराने देखील न्याय मागू शकता। कायद्याचा मार्ग, न्यायालयाचा मार्ग,
हा सगळा मार्ग आपल्याला उपलब्ध असताना लोकशाही पद्धतीने न्याय मागितला पाहिजे. हल्ल्याचं समर्थन होऊ शकत नाही, पण प्रसारमाध्यमांनी देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे की अशा संवेदनशील काळामध्ये किंवा नेहमीच बातमी छापताना त्याविषयीची सगळी खात्री करून घेतली पाहिजे आणि कुठल्याही समूहाला मोठं नुकसान होणार नाही आणि त्यासाठी म्हणून आपण बातमी छापली अशा उद्देशाने देखील बातमी छापली जाऊ नये. या दोन्ही बाजूनी मला असं वाटतं की या प्रकरणाकडे आपण पाहायला पाहिजे. तो राज्य के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने इस हमले की घटना को निंदनीय करार देकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी ऐसा स्पष्ट कर दिया और यह भी कहा कि अगर अर्सुल पिता पुत्र इसमें दोषी पाए गए तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अर्सुल समर्थकों के इस करतूत का कुछ शिवसैनिकों ने विरोध किया है तो कुछ ने समर्थन. तिथे जो हल्ला झाला महाराष्ट्र टाइम्स वर तो होना गरजेचं होतं. इथं अमरावतीमध्ये जर त्याचं ऑफिस असतं तर आम्ही इथं पण केलं असता. महत्त्वाचा विषय असा आहे की माणसाला पक्षामध्ये संघटनेमध्ये स्थान निर्माण करायला अनेक वर्ष जाते आणि आदरणीय शिवसेना नेते आणि शिवसेनेचे उपनेते माननीय आनंदरावजी अठूर साहेब जर कोणी अशा पद्धतीनं जर खोडसाळपणाचं आपल्या पेपरमध्ये जर उत्तर प्रकाशित करत असेल तर ही चीड येणं स्वाभाविक आहे. आणि एखाद्या साधारण कार्यकर्त्याबद्दल जरी आलं की हा त्या पक्षातला ह्या पक्षामध्ये आला किंवा याच्यातला त्याच्यामध्ये गेला तर त्याला चीड निर्माण होते त्याच्यामध्ये. पण हे तर शिवसेनेचे अनेक युनियन चालवणारे आणि संपूर्ण देशाला परिचित असणारं एक नेतृत्व आहे आणि अशा नेतृत्वावर जर असं कुठं आरोप लागत असेल तर हा जन प्रक्षोभ जो आहे तो हा स्वाभाविक आहे. आता हे त्यांनी का केलं कशा पद्धतीनं छापलं हे आम्हाला कळायला मार्ग नाही. पण परवाच्या दिवशी अठोर साहेब अमरावतीमध्ये होते आणि आमची चर्चा झाली तर परांजपे ज्यावेळेस शिवसेनेतून राष्ट्रवादीमध्ये गेले आणि त्यांनी आपलं वक्तव्य बदललं तर त्याच्यावर अठोर साहेबांचं वक्तव्य होतं की हा जो पोरगाव होता हा जो खासदार झाला होता हा अगोदरपासून अशा मनोवृत्तीचा होता. तर अठूर साहेबाबद्दल तर कोणी विचारच करू शकत नाही, आमच्या मनामध्ये पण येऊ शकत नाही. ज्यावेळेस आम्ही ही बातमी इथं वाचली किंवा लक्षामध्ये टी व्हीवर त्याची स्क्रिप्ट सुरू झाली तर अतिशय म्हणजे मनामधून वेगळ्या पद्धतीच्या भावना सगळ्या शिवसेनेमध्ये निर्माण झाल्या. म्हणून हे महाराष्ट्र टाइम्ससारख्या पेपरनं हे करणं हे चुकीचं आहे आणि मी तर म्हणतो कोणत्याच ज्या काही मीडिया सर्व प्रकारच्या ज्या मीडिया आहे या महाराष्ट्रामध्ये काम करते तर त्यांनी पहिले त्यांची पार्श्वभूमी तपासायला पाहिजे त्या नेत्याची आणि त्याच्यानंतर असं वक्तव्य करायला पाहिजे. महाराष्ट्र टाइममध्ये ही जी बातमी आज प्रकाशित करण्यात आली या बातमीमुळे आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे की बा आनंदराव अडसूळ हे राष्ट्रवादीत गेले. अरे एवढा निष्ठेने काम करणारा खासदार ज्यांनी इतक्या वर्षापासून सेनेचं काम केलेलं आहे तो जर त्याच्या त्या माणसाबद्दल जर अशी बातमी जर प्रकाशित होत असेल अशा बातमीमुळे सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. याचा निषेध करण्याकरिता आम्ही युवा सेनेचे कार्यकर्ते माननीय आमचे महानगरप्रमुख दिगंबाजी डहाके यांच्या नेतृत्वात आज ह्या महाराष्ट्र टाइम्सची होळी इथे करून निषेध दर्शवत आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो अभी प्रकरण गज रहा है हमारे अर्सू साहेब राष्ट्रवादी में गए इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दी है उन्होंने पेपर के अंदर के माध्यम से वो एकदम लाजिरवानी बाब है. ऐसा कुछ अर्सू साहेब ने आज तक हुआ नहीं, वो क्योंकि कट्टर बाड़ा साहेब के शिवसैनिक है और ये प्रेस वाले लोगों का ऐसे बड़े नेताओं का पतन करते हैं म्हणजे वो पार्टी में से उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं. अर्सुल साहेब ये शिवसेना के कट्टर है और हम भी लोग उनके समर्थक हैं शिवसेना के और भविष्य में ऐसा होगा नहीं कि हमको भी शिवसैनिकों को पूरी जान है उसकी और उसके निषेध में टाइम ऑफ इंडिया के निषेध में हमारे युवा सैनिक शिवसेना ये पूरी रास्ते पे उतरेंगे. साजिश भी हो सकती राजकारण में
बहुत सी चीजें उल्टे सीधे होती रहती, किसी को बदनाम करने की कोशिश रहती, उस माध्यम से होते रहता। अतिशय दुर्दैवी बाब आहे, निंदनीय गोष्ट आहे। माननीय खासदार आनंदरावजी अडसूळ यांच्या प्रति जे महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये छापून आलं त्याचा आम्ही सर्व शिवसैनिक तीव्र निषेध करतो, कारण की माननीय खासदार आनंदरावजी अडसूळ शिवसेने एक शिवसैनिक आहेत, कट्टर शिवसैनिक आहेत। अतिशय अल्पवयापासून त्यांनी शिवसेना या पक्षामध्ये त्यांचं काम राहिलेलं आहे। बाळासाहेब ठाकरेंची त्यांच्यावर अतिशय विश्वास आहे आणि त्यांची सुद्धा निष्ठा माननीय बाळासाहेबांवर आहे, शिवसेनेवर आहे। त्यामुळे हा जो दुर्दैवी प्रकार झाला त्याचा आम्ही तीव्र निषेध केला। आजकाल महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादीची अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे का ते पैशाच्या जोरावर काही कुणाला सुपारी देऊन काही आपल्या वृत्तपत्रात बातमी छापण्याची तयारी करतात, त्यांना हे तरी समजायला पाहिजे का शिवसैनिक हा कसा असतो आणि आपण कुणाच्या बद्दल बातम्या देतो। आमचे संपर्क नेते आनंदरावजी अडसूळ साहेब हे शिवसेनेचेच नेते नसूनही इथल्या युनियनचे अध्यक्ष असून आज 58 युनियनचे अध्यक्ष असून त्यांच्या पाठीमागे इथला मोठा बोज असून हा राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवार याला समजायला पाहिजे का इथल्या मोठ्या माणसाच्या बद्दल आपण अशी खोटी सुपारी देऊन अशा बातम्या खोट्या बातम्या देऊन आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाडी मारत आहे। तुला जर मैदाना रिंगणामध्ये राजकारणाच्या रिंगणामध्ये लढत घ्यायची असेल तर ओपन टू ओपन शिवसेनेच्या सोबत राजकारणामध्ये यावं, शिवसैनिकाला पाळून दाखवावं, हेच आम्ही अशी भावना व्यक्त करतो। आज आम्ही टीव्हीवर पट्टी पाहिली, माननीय खासदार आनंदरावजी अडसूळ एनसीपीत गेले, पण आनंदरावजी अडसूळ साहेबांचं गेल्या 30-40 वर्षात ते शिवसेनेचं काम करतात, प्रामाणिक काम करतात आणि या महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा हा नेता आहे आणि हे कधीही जाऊ शकत नाही हे सर्व शिवसैनिकांना माहीत आहे। अशा प्रकारचं वक्तव्य हे जे महाराष्ट्र टाइमनं जे लिखाण केलं अत्यंत चुकीचं आहे, दुर्भाग्यपूर्ण आहे। त्यांनी त्याची पार्श्वभूमी पाहायला पाहिजे होती, कारण का मीडिया आपण ज्यावेळेस लिखाण करतो त्यावेळेस ते कितपत बरोबर आहे की चुकीचं आहे याची जाण ठेवायला पाहिजे। असं चुकीचं काम करू नये त्याचा आम्ही सर्व शिवसैनिक निषेध करतो। आणि तिथं तर ऑफिस तोडलं ते तर तिथल्या शिवसैनिकांनी जाऊन टाकायला पाहिजे होतं, कारण अशा प्रकारचं वक्तव्य पुन्हा कोणत्याही पेपरनं करू नये अशी आमची शिवसेनेची एक मागणी आहे। महाराष्ट्र टाइम्स या दैनिकाच्या कार्यालयावर शिवसैनिकांनी हल्ला केला, परंतु त्या हल्ल्यामागे काय पार्श्वभूमी आहे हे सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे। वृत्तवाहिन्यांनी वृत्तप्रतिनिधींनी आपल्या प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून वस्तुनिष्ठ जर माहिती दिली तर ते लोकांना रुचते, परंतु एखाद्याचं करिअर उद्ध्वस्त करणाऱ्या बातम्या दिल्यानंतर असा उद्रेक होत असतो। हा विषय आत्मचिंतनाचा आहे आणि याविषयी वृत्तपत्र समूहांनी किंवा जे यांचे ऑर्गनायझेशन आहे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आहे, प्रेस कौन्सिल आहे, यांनी याबाबतीत एक दिशानिर्देश निश्चित करायला पाहिजे का कोणत्या बातम्या देणं हे सुद्धा समाज मनामध्ये चुकीचा संदेश देणारे आहे, त्याबद्दल आत्मचिंतन सुद्धा करणं गरजेचं आहे। इस घटना की वजह से अमरावती मनपा चुनाव के लिए गठित सेना भाजप रिपाई महायुति की घोषणा भी खटाई में पड़ गई है। सांसद अडसूळ शनिवार को उप महायुति की सीटों के बंटवारों की घोषणा करने वाले थे, पर जवाहर गेट, बुधवारा, साईनगर, विलासनगर इन प्रभागों को लेकर तीनों पार्टियों में एक मत नहीं बैठने से महायुति की घोषणा का क्या होता है इस ओर ध्यान लगा है। बता दें कि ऐसे ही सीटों के बंटवारे के विवाद में नासिक में महायुति से बीजेपी ने पांव बाहर खींच लिया है और वह स्वबल पर चुनाव मैदान में है। अब फैसला क्या होगा यह तो देखना बाकी है। चुनावी समीक्षा सिटी न्यूज। अमरावती शहर का राजकीय वातावरण हर दिन बदलते देखे जा रहा है। अमरावती चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। महापालिका क्षेत्र के जवारगेट प्रभाग सहित कई प्रभागों में उम्मीदवार अपने अपने प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका के आम चुनाव 2012 के लिए 16 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। भले ही आधिकारिक रूप से कोई पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, पर संभावित प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। महानगर के चुनावी सरगर्मियों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो इन उम्मीदवारों का प्रचार कार्य गति पकड़ते देखा जा सकता है। मनपा क्षेत्र के 43 प्रभाग न्यायी उम्मीदवारों की अगर बात करें तो शहर का सबसे बड़ा प्रभाग के रूप में
पहचाने जाने वाला चर्चिला प्रभाग, प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट से शिवसेना प्रत्याशी और वर्तमान नगर सेवक प्रवीण हरमकर और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल अग्रवाल, इन दोनों के प्रचार की शुरुआत हो गई है। ये दोनों प्रत्याशी जवाहर गेट प्रभाग में सुबह शाम अपना जनसंपर्क बैठा कर मतदारों से रूबरू होते दिखाई दे रहे हैं। जवाहर गेट प्रभाग में 3 नगर सेवक पदों के लिए चुनाव होना है। तमाम राजकीय पार्टियां इस प्रभाग से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार कर ये प्रभाग जीतने की चाह रखी है। अभी सारे उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा बाकी है, पर प्रवीण हरमकर और अनिल अग्रवाल के नाम पर संबंधित पार्टियों की मुहर लग चुकी होने से दोनों अपने प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। विशेष ये कि प्रवीण हरमकर सेना से वर्तमान पार्षद हैं। प्रवीण हरमकर हर समय नागरिकों के लिए उपलब्ध रहते हैं, प्रभाग में उनकी अच्छी पकड़ है। साथ ही अल्पसंख्यक के 7,000 के लगभग मतदाता होने से प्रवीण हरमकर को कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल अग्रवाल से कड़ा मुकाबला करना होगा। अनिल अग्रवाल कांग्रेस से हैं, जबकि वर्तमान में संजय शिरबाते कांग्रेस के इसी प्रभाग से पार्षद हैं। इसी प्रभाग से पार्षद प्रवीण हरमकर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी समीक्षा, सिटी न्यूज। धारणी तहसील क्षेत्र के तहत आने वाले तात्रा गांव के सैकड़ों आदिवासी गड़गा प्रकल्पग्रस्तों ने धारणी पंचायत समिति पर मुक मोर्चा से दस्तक दी। गड़गा प्रकल्पग्रस्तों में 10 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिलने की मांग को लेकर निकला यह महामोर्चा उप विभागीय कार्यालय पर धमकते ही प्रशासन में काफी खलबली मच गई थी। धारणी तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तात्रा गांव के गाड़गा बांध प्रकल्प ग्रस्तों को 10 लाख रुपए मुआवजा मिलने की मांग काफी जोर पकड़ रही है। शुक्रवार को तात्रा गांव के सैकड़ों आदिवासी ग्रामस्थ 25 किलोमीटर पैदल चलकर धारणी उप विभागीय कार्यालय पर जा धमके। किसी भी प्रकार का शोर, नारेबाजी, घोषणाबाजी न करते हुए सभी प्रकल्प ग्रस्तों ने मुंह पर पट्टियां बांधकर मुख मोर्चा निकाला। इस मुख मोर्चे का नेतृत्व कर रहे आदिवासी नेता डॉक्टर रवि पटेल सभी गाड़गा प्रकल्प ग्रस्तों को 10 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिलने की मांग का ज्ञापन उप विभागीय अधिकारी को सौंपा तथा आदिवासियों के अधिकारी सुख सुविधाएं, विभिन्न योजना आदि लागू करने पर भी जोर दिया। तात्रा गांव से 25 किलोमीटर पैदल चलकर धारणी के उप विभागीय कार्यालय पर धमके इस मुख मोर्चे से प्रशासन को हिला दिया। धारणी से संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। स्थानीय बालाजी प्लॉट स्थित संत शिरोमणि सीताराम जी बाबा के शतचंडी महायज्ञ एवं महापाठ का आयोजन जारी है। शनिवार को इस कार्यक्रम में संगीतमय भजन संस्था के साथ प्रवचन भी संपन्न हुआ। स्थानीय बालाजी प्लॉट स्थित सीताराम दास जी बाबा मंदिर में गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर शतचंडी महायज्ञ एवं महापाठ का भव्य आयोजन जारी है। इस महायज्ञ में श्री महंत मनमोहन दास जी बाबा गुरु द्वारा सभी पूजा पाठ तथा विधियां संपन्न हो रही हैं। दिनांक 24 जनवरी से 1 फरवरी तक जारी इस शतचंडी महायज्ञ एवं महापाठ में धार्मिक कार्यक्रमों में भजन संध्या, आरती तथा महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। समय हो चुका है एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं कुछ अहम खबरें। महानगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र उठाने और दाखिल करने की प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। विगत 24 तारीख से शुरू हुआ ये नामांकन प्रक्रिया के दौरान अब तक 1600 से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र उठा लिए हैं। 31 जनवरी तक चलने वाले इस प्रक्रिया में पार्षद दिनेश बुब 30 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। पार्षद दिनेश बुब 30 जनवरी को अम्बापेट प्रभाग क्रमांक 12 से अपनी उम्मीदवारी नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ दिनेश बुब मुदलकर पेट से उम्मीदवारी दाखिल करने रवाना होंगे। 31 जनवरी तक तमाम उम्मीदवारों को अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने हैं। इस नियोजित प्रक्रिया के दौरान 8 जोन कार्यालयों पर उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई दिग्गज और नवोदित उम्मीदवारों ने अपने उम्मीदवारी पर्चे खरीद लिए हैं। 24 जनवरी से जारी इस प्रक्रिया के दौरान अब तक 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र उठाए हैं।
नामांकन पत्र दायर करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी रहने से इन्हीं अंतिम दिनों में उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल करेंगे, जिसकी सरगर्मियां ऑटो जोन कार्यालयों पर देखी जा रही है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। स्थानीय जूना बाईपास बडनेरा का ये मार्ग हादसों का मार्ग बन चुका है। विगत कुछ दिनों से इस मार्ग पर लगातार अपघातों की श्रृंखला बदस्तूर जारी है। गुजरे कुछ दिनों में ही यहाँ 6 लोगों की जानी जा चुकी है तो एक दुपहिया चालक की मौत हो चुकी है। सड़क पर द्रुत गति से दौड़ते वाहन चालकों की मामूली गलती, यातायात के नियमों की अपूर्ण जानकारी तथा यातायात विभाग की असुविधाएं बड़े बड़े रास्ता अपघातों को निमंत्रण देती है। किसी रास्ते पर अगर बार बार सड़क हादसे होते हैं तो नागरिकों में उस रास्तों के प्रति भय निर्माण होता है। ऐसा ही महानगर का रास्ता है जूना बाईपास बडनेरा मार्ग, जिसकी शहर वासियों में काफी दहशत निर्माण हुई है। पिछले रविवार को इस मार्ग पर एक टवेरा ने रास्ता क्रॉस कर रहे एक परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें चारों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिर दूसरे दिन सोमवार को द्रुत गति से दौड़ रही टाटा एक्स गाड़ी ने 2 दुचाकी सवारों को रौंद दिया। इन दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ा। गणतंत्र दिन की शाम इस मार्ग पर एक सोमो ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोर से टक्कर दे मारी। इस घटना में भी मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। इस तरह यह मार्ग सड़क हादसों को निमंत्रण दे रहा है। जूना बाईपास बडनेरा मार्ग की दहशत शहर वासियों में निर्माण हो गई है। इस मार्ग पर गतिरोधक दिशा दर्शक फलक, रिफ्लेक्टर, रास्ता सुरक्षा विषयक फलक आदि यातायात की सुविधाएं करना जरूरी है, जिससे अपघातों की श्रृंखला पर अंकुश लग सके तथा वाहन चालक यात्रियों का सफर सुरक्षित रह सके। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। गणतंत्र दिन के 63वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में धारणी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मागास्वर्गीय छात्रावास द्वारा सिपना नदी के तट पर बहारा रोटी कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मान्यवर तथा छात्रों ने स्नेह भोज कर आनंद उठाया। गणतंत्र दिन के 63वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में धारणी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मागास्वर्गीय छात्रावास द्वारा ग्राम स्थित सिपना नदी के तट पर बाह्य रोटी कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मान्यवर तथा छात्राओं ने स्नेह मिलन के साथ स्नेह भोजन किया। इस अवसर पर सहायक प्रकल्प अधिकारी पोल साहब, प्राचार्य वानखड़े, राणा गावंडे, छात्रावास के गृहपाल आरबी ताड़े आदि मान्यवरों ने छात्रों को गणतंत्र दिन पर तथा भौगोलिक परिस्थिति पर मार्गदर्शन किया। इस मार्गदर्शन से छात्रों को काफी प्रेरणा मिली तथा भविष्य में आदर्श नागरिक बनने का जज्बा भी सभी छात्रों में देखा गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मागास्वर्गीय छात्रावास के गृहपाल आरबी ताड़े के उद्बोधन से छात्रावास के छात्र तथा उपस्थित नागरिक मंत्रमुग्ध हो गए। दरवर्षीप्रमाणे मी 2 वेळेस मुलांना बाहेर घेऊन जातो आणि पुस्तकामध्ये कसं काय वरण भात पोळी रोजचं जेवण असते, त्याच्यापेक्षा काहीतरी चान्स या हिशोबाने मी त्यांना बाहेर घेऊन जातो आणि बाहेर गेले की नंतर त्यांना थोडंसं मोकळं वातावरण मिळते। धारणीचे कॅमेरामन संदीप राऊत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। धारणी शहर का भाजी बाजार गंदगी के आलम में जकड़ा है। ये स्थिति तुरंत सुधारने की मांग धारणीवासी कर रहे हैं। धारणी ग्राम पंचायत के ठीक सामने भाजी बाजार में मुख्य नाली चौकअप होने से पूरा गंदगी भरा पानी तथा पूरी गंदगी का साम्राज्य भाजी बाजार व्यवसायिक तथा परिसर के नागरिकों के घरों के सामने आने से नागरिक तथा व्यापारी काफी परेशान हो चुके हैं। इस नाली दुरुस्ती के लिए 20,000 रुपये खर्च आने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा जल्द ही निर्णय लेकर दुरुस्त करने का आश्वासन सचिव जितेंद्र सोलंकी द्वारा दिया गया, लेकिन तब तक नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदगी के साम्राज्य पर नागरिकों द्वारा काफी रोष व्यक्त किया जा रहा है। सभी परिवार वाले यहाँ पर सड़ी कर रह रहे हैं और पूरा गांव का पूरा निकासी का पानी, गंदा पानी पूरा ही नाली से निकलता है, लेकिन यहाँ पे सफाई कर्मचारी वर्क नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्कर कर्मचारी वाले सिर्फ 2 ही दिए है, उनका भी कहना सही है। इसके अलावा वहाँ अगर जाओ तो कोई अहमियत नहीं रहती हमारी, हम नागरिक है लेकिन कोई अहमियत नहीं हमारी। वैसा देखा जाए साल का 1.5 लाख प्रॉफिट है ग्राम पंचायत, बाकी 1.5 रुपए भी खर्च नहीं करती ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में गए तो बोलते ये हमारा काम नहीं है, वर्कर नहीं है, ये नहीं है, बस मतलब सब पेक्षा बादशाह।
अभी अभी क्या अपेक्षा तुम्हारी है इसके बारे में? अपेक्षा तो कुछ भी नहीं है, हमारी अपेक्षा ये है कि नाली एक तो साफ सफाई हो जाए और ये बाजार का जो एरिया है इनको व्यवस्थित दुकानें देकर इनको व्यवस्थित एरिया बनाया जाए, क्योंकि ये पूरा गांव का मुख्य बाजार है, सब्जी मंडी यहाँ रोज आते हैं, यहाँ से निकलने जगह नहीं है, तो ग्राहक बरसात में इससे ज्यादा हाल बेकार है। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। भारतीय गणतंत्र का 63वां वर्धापन दिन धारनी में विभिन्न कार्यक्रमों से मनाया गया, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का इसमें समावेश था। धारनी शहर में उप विभागीय अधिकारी कार्यालय तथा तहसील कार्यालय द्वारा स्थानीय रंग भवन मैदान पर बड़े उत्साह के साथ 63वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम उप विभागीय अधिकारी प्रदीप पी द्वारा ध्वजारोहण कर पुलिस परेड द्वारा उनका स्वागत कर परेड ग्राउंड पर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस पथक, होमगार्ड पथक, छात्र सेना इत्यादि द्वारा सलामी लेने के बाद रंग भवन मैदान पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित देशभक्ति स्फूर्ति गीत धार्मिक गीतों पर नृत्य कर उपस्थितों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रदीप पी तथा दीवानी फौजदारी न्यायाधीश सोनी, तहसीलदार किरण पाटिल, सावंत ओसवाल साहब, वरखड़े साहब, माजी विधायक राजकुमार पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम का संचालन रना गावंडे सर ने किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिला परिषद हाई स्कूल सहित लड़कों की स्कूल धारनी और लड़कियों की स्कूल किड्स केयर कॉन्वेंट, प्राध्यापक वर्धे कॉन्वेंट, मोन्टफोर्ट कॉन्वेंट स्कूल आदि ने सहभाग लेकर ये राष्ट्रीय त्यौहार पूरे उत्साह से मनाकर राष्ट्रीय ध्वज को मानवंदना दी। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। पिछले 52 वर्षों से स्थानीय श्री इंद्रशेष बाबा दरबार उड़ाली कैंप में धार्मिक कार्यक्रम तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी श्री चंद्रशेष बाबा संस्थान द्वारा रथ सप्तमी के पावन पर्व पर संगीतमय श्रीमद ज्ञान यज्ञ हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया है। स्थानीय वडाली कैंप स्थित श्री इंद्रशेष बाबा संस्थान में रथ सप्तमी के पावन पर्व पर संगीतमय श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ हरिनाम सप्ताह का आयोजन जारी है। इस भागवत सप्ताह में पोरबंदर गुजरात के आचार्य श्री चेतन जी शर्मा भक्तों को प्रवचित कर धर्म एवं ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। भगवान अंशेन हरिश्वर, भगवान ने धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लिया तो फिर ये विपरीतता कैसे? बोले स कथम धर्म सेतुनाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता। भगवान स्वयं धर्म के संस्थापक हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के रक्षक हैं, तो फिर प्रतीप माचरत ब्रह्मन पर दाराभिदर्शनम। इस कार्यक्रम में दैनंदिन रूप से काकड़ा आरती, प्रवचन, हरिपाठ एवं प्रार्थना भी संपन्न हो रही है तथा कीर्तनकार भास्कर गुगे और दिगंबर राव गाड़गे महाराज इनके हरि कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। शिक्षा के साथ साथ शालेय स्तर के छात्रों में कला कौशल को वाव देने हेतु राज्य स्तरीय अंतर शालेय बाल नाट्य स्पर्धा का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। इस स्पर्धा में अनेक छात्रों ने अपने कौशल का प्रदर्शन कर उपस्थितों को आकर्षित किया।
शिक्षा के साथ साथ शालेय स्तर के छात्रों के अभिनय कला कौशल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय अंतर शालेय बाल नाट्य स्पर्धा का शुक्रवार को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजन किया गया था। इस नाट्य स्पर्धा में प्रयास विशेष स्कूल, आशादीप, अजिंक्य नूतन विद्यालय, डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय आदि स्कूलों सहित राज्य के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने सहभाग लिया। इस नाट्य स्पर्धा में बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कुछ हास्य मनोरंजन से भरपूर तो कुछ दिल को छू लेने वाली नाटकों से उपस्थितों का आकर्षित किया गया। इस नाट्य स्पर्धा में कुछ अंध छात्रों ने भी सहभाग लेकर अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण, विद्यार्थी वर्ग, कर्मचारी तथा पालक वर्ग प्रमुखता से उपस्थित थे। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमरावती महानगर पालिका चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवार को जोन कार्यालय द्वारा बेरंग लौटा दिया गया। सारे कागजात पूरे रहते और शपथ पत्र, नोटरी आदि दस्तावेजों की पूर्तता करने के बावजूद भी मनपा प्रशासन ने नो ड्यू सर्टिफिकेट देने मनगढ़ंत नियमों को लागू करने की करतूत कर लोकशाही के विपरीत कार्य कर रहा है, ऐसा आरोप पीड़ित इच्छुक उम्मीदवार शीला हिरामन गायकवाड़ ने लगाया है। आपला प्रभाग क्रमांक 36 बेनोडा भीमटेकडी वरून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढू येत आहो, त्या कारणास्तव मी आज फॉर्मची पूर्तता करण्याकरिता झोन क्रमांक 3 हमालपुरा इथे गेली। तिथे त्यांनी त्या फॉर्म सोबत जे कागदपत्र लावायचे सांगितलेले आहेत त्याच्यात जो एक 8 क्रमांकाचा जे कागद आहे की मनपाची थकीत बिल नसल्याची न्यू ना हरकत प्रमाणपत्र लावणे, मी त्यांना तिथे सांगितलं की बा माझ्याकडे कोणत्याही प्रकारचं मालमत्ता नसल्याचं मी नोटरी करून घेतलेलं आहे, नोटरी करून घेतलेलं आहे। तर त्यांनी ते चांडोले म्हणून जे आहेत आपल्या भोवते लेआउटचे जे आपल्या टॅक्स पावती वगैरे काम करते त्यांनी मला भरपूर त्रास दिला, मोठ्या मुश्किलने त्याच्यावर लिहून दिलं की बा तुमच्यावर तर कोणत्याही प्रकारची थकीत नाही आहे, मालमत्ता कर तुमच्यावर काहीच नाही आहे बाबा टॅक्स वगैरे, ते घेऊन मी वटाणे सर म्हणून आहेत बंडेरा झोनला तिथे गेली। परंतु वटाणे सरनी मला त्या कागदावर प्रमाणपत्र दिलं नाही आणि प्रमाणपत्र न द्याचे जे मला कारण सांगितले, जे कारण मला सांगितले की बा तुम्ही कोणाचंही घराचं टॅक्स पावती मला आणून दाखवा आणि ते पूर्ण नील करून दाखवा तेव्हाच तुम्हाला नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल। माझं असं म्हणणं आहे की निवडणूक आयोगाचं असं काही नियम आहे का की ज्यांच्याकडे स्वतःचं घर नाही त्यांनी निवडणूक उमेदवारी अर्ज बा दाखल करायच्या वेळेस थोडा विचार करायचा किंवा थांबून जायचं, कारण का संविधानामध्ये चाहे तो फुटपाथवर राहणारा व्यक्ती का नाही असो त्याला सुद्धा उमेदवारी अर्ज दाखल करायचा पूर्ण अधिकार आहे। मग ह्या कोणती एक अट आहे की बा तुम्ही तुमच्या घरमालकाचं जेवढं टॅक्स असेल तेवढं पूर्ण भरा त्याच्यानंतरच आम्ही तुम्हाला नाहरकत प्रमाणपत्र देऊ, किंवा तुम्ही कोणत्या शेजारीचा तरी आणा त्याचं तरी सुद्धा पूर्ण भरून द्या। तर हे निवडणूक आयोगामध्ये याची काय म्हणते असं काही नियम आहे का, बस मला याची माहिती पाहिजे। आणि याचा सरासर मला असं वाटते की जे उमेदवारी लढू इच्छित आहेत त्यांना खूपच मानसिक त्रास द्यायचं, मानसिक छळ करायचं हे एक विषय मानला गेला आहे महानगरपालिकेकडून। इस ओर मनपा के चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा ध्यान देकर दोषियों पर कड़े कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है ये देखना अभी बाकी है। स्थानीय पीआर पाटिल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा हर साल की तरह इस साल भी शहर के तांत्रिकी तथा अभियंत्रिकी छात्रों को तज्ञ व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिलने के लिए तथा विश्व के वैज्ञानिक आविष्कारों से अवगत कराने के उद्देश्य से दिनांक 28 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर की तांत्रिक परिषद टेक्नोलॉन्स 2012 का आयोजन किया गया है। शनिवार को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पोर्ट इंस्टीट्यूट के प्रांगण में टेक्नोलॉन्स 2012 का भव्य उद्घाटन हुआ। इस तांत्रिक परिषद का उद्घाटन होते ही छात्रों ने रोबोटिक्स, पोस्टर प्रेजेंटेशन, लैंड गेमिंग तथा अन्य तकनीकी इवेंट भी प्रस्तुत किए। 4 दिन तक चल रहे इस तांत्रिक परिषद में देश दुनिया के कई तज्ञ व्यक्ति तथा सफलता की बुलंदियों पर चढ़े दिग्गज मान्यवर सभी विभाग के छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। इस तांत्रिकी परिषद में रविवार को भारत देश की प्रथम पूर्व महिला आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी तथा ओराकल के सीईओ अतुल कहाते उपस्थित छात्रों को अनमोल मार्गदर्शन देकर जीवन में सफल होने की राह से अवगत कराएंगे। इस टेक्नोलॉन्स 2012 में सहभागी होने का आह्वान आयोजकों द्वारा किया गया है।
स्थानीय गार्गी नगर स्थित शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालय में भरारी 2012 इस दो दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन में महाविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वेस्टर्न डांस भी प्रस्तुत किए। इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन नृत्य गायन वादन एकांकिका कवि सम्मेलन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मेल देखा गया। इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन के दौरान युवा वर्ग झूम उठा था। इस अवसर पर शासकीय तंत्र निकेतन के प्राचार्य प्राध्यापक वृंद कर्मचारी विद्यार्थी प्रमुखता से उपस्थित हैं। इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन में प्रावीण्य प्राप्त छात्रों को बख्शीश भी वितरित किए गए। बख्शीश वितरण के साथ वार्षिक स्नेह सम्मेलन का समापन हुआ। स्वाभिमान कांग्रेस की सीट पर अमरावती मनपा चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार युवा स्वाभिमान की ओर से लिए जा रहे हैं। स्थानीय आरजे कॉलेज दस्तूर नगर में जारी इस साक्षात्कारों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई उम्मीदवार अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। काम करा जाए, विकास करा जाए, इच्छा होती। कुठल्या समस्या आहे तुमच्या गावाच्या? आरोग्य, पाणी टंचाई, नाली, बेरोजगारी, इतर समस्या। आमचा जो प्रभाग आहे कित्येक वर्षापासून मागासलेला आहे, विकासापासून दूर आहे, तर त्या विकासाच्या खऱ्या अर्थाने आमदार रविकुमार राणा यांच्या आशीर्वादाने आम्ही विकास कामाची आमच्या प्रभागामध्ये पूर्तता करत आहोत व भविष्यामध्ये सुद्धा ही पूर्तता करण्यासाठी आमदार रविकुमार राणांनी मला उमेदवारी सुद्धा घोषित केलेली आहे। स्वाभिमान के शहर कार्यालय में इब्बू खान सहित कई कार्यकर्ताओं ने स्वाभिमान में जाहिर प्रवेश कर स्वाभिमान के हाथ मजबूत करने हर संभव प्रयास करने का दावा किया। फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी का स्नेह मिलन शनिवार को संपन्न हुआ। फ्रेंड्स उर्दू स्कूल, इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज हबीबनगर के स्कूलों के छात्रों ने इस स्नेह सम्मेलन के कार्यक्रम में आकर्षक प्रस्तुतियां देकर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब, केएल कॉलेज के प्रिंसिपल वीएल बांगड़िया, निवृत्त इंजीनियर अफजल अहमद, एमए रहमान आदि मान्यवर इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। पिछले 45 दिनों से ग्राम भानखेड़ा में आयोजित श्रीमद महावाक्य प्रवचन समारोह का शनिवार को शोभा यात्रा से समापन किया गया। शनिवार को अखिल भारतीय महानुभव परिषद द्वारा स्थानीय साइंस कोर मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का भाविक भक्तों ने जगह जगह स्वागत कर दर्शन लिए। ये शोभा यात्रा साइंस कोर मैदान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, राजकमल चौक आदि मार्गों से गुजरी, जिसका राजापेट स्थित महानुभव पंत के आश्रम में समापन किया गया। इस शोभा यात्रा में महानुभव पंत के कई उपासक तथा उपासिकाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। स्थानीय नौसारी परिसर के एकवीरा विद्युत कॉलोनी में दिनांक 28 जनवरी से 30 जनवरी तक श्री गणपति, श्री दत्त प्रभु, श्री नवनाथ, श्री गजानन महाराज, श्री साई बाबा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं कलश रोहन समारोह का आयोजन किया गया है। शनिवार को सभी भगवानों के मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा ने परिसर के सभी भागों की नगर प्रदक्षिणा की। इस शोभा यात्रा का भाविक भक्तों ने जगह जगह स्वागत कर दर्शन भी लिए। इस अवसर पर दिंडी भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा में श्री दत्त नवनाथ आरती मंडल, वारकरी सांप्रदायिक भजन मंडल, आदिवासी नृत्य मंडल आदि सहित भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का कार्टून कोना। एक नजर दौड़ाते हैं मौसम की खबरों पर।
शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि आसमान साफ रहा। शनिवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 51% आंका गया, जबकि रविवार को मौसम विभाग द्वारा आसमान साफ रहने के साथ साथ शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई जा रही है। जाते जाते एक बार फिर नजर दौड़ाते हैं आज की कुछ सुर्खियां प्रमुख हेडलाइंस पर। सांसद अड़सूर समर्थकों की महाराष्ट्र टाइम्स कार्यालय में तोड़फोड़, पत्रकार संगठनों ने हमले की निंदा, महायुति की घोषणा खटाई में। चुनावी प्रचार की धूम हो गई शुरू, गर्गा प्रकल्प ग्रस्तों का मुक मोर्चा धमका उपविभागीय कार्यालय पर। चंडी महायज्ञ महापाठ में उमर पड़ी भक्तों की भीड़। दिनेश बुक 30 को दाखिल करेंगे नामांकन, 8 जोन कार्यालयों पर उमड़ रही उम्मीदवारों की भीड़। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, शक्कर साथ, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 256-3833। या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।